ये बिल्कुल उचित नहीं है। हम लोगों ने भी बराबर मांग की है कि इनको पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा दिया जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। तो काम वही इनसे लिया जाएगा, जो भी अन्वेषक है जो भी हो काम करेगा, और वेतन के नाम पर एक छोटी सी धनराशि। इसमें परिवार का गुजारा क्या, एक व्यक्ति का गुजारा नहीं हो सकता, परिवार तो बहुत दूर है। तो सरकार के द्वारा जो धनराशि बढ़ाई गई है, जो चुनावी घोषणा थी इसलिए किया, लेकिन आजकल के समय में 2000 रुपए की क्या वैल्यू। जैसे सही बताया कि अभी दूर जाते हैं, दूर दूर अन्वेषक अपने ज्वाइन करते हैं, ड्यूटी करते हैं, वहां पर जाने आने में इतनी महंगाई हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तो आना जाना ही इतना व्यय हो जाता है इसमें कि परिवार की वो कैसे भरण पोषण करेंगे। तो हमारे संगठन की मानी ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक प्रमुख मांग हमेशा रही कि जो भी अनुदेशक है इनको पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा और इनको वेतन मान दिया जाए, इसलिए कि ये भी वही कार्य करते हैं। 7000 से ज्वाइनिंग हुआ और उसके बाद 2016 में हमारा मानदेय 1470 रुपए बढ़ाकर 8470 रुपए किया गया। उसके बाद जो जो कि माह मई 2019 तक मिलता रहा, यानी कि 2016 और 17 में जो हमारा मानदेय वृद्धि हुआ 1470, वो मई 2019 तक मिलता रहा। उसके बाद 1470 रुपए का कटौती का आदेश आ गया 3 जुलाई 2019 को। 3 जुलाई 2019 को 13,230 की रिकवरी कर ली गई मानदेय में, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ किसी संविदा कर्मचारी का रिकवरी हुआ। उसके तत्पश्चात ही आपको बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के आदेश और प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड में स्वीकृत अनुदेशक का जो मानदेय 17,000 हुआ था, इसका पुष्टि भी पीएबी ने 2017-18 में स्वीकृत जो किया था, उसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हमारे संगठन के नाम पर पत्र लिख के हम संगठन वालों को अवगत भी कराया था। वह पत्र 30 जून 2017 को जारी हुआ था। तो कहीं ना कहीं से जो चुनावी है लालीपॉप सरकार ने दिया, 1470 घटाकर 2000 की वृद्धि कर दिए, वृद्धि कर दिए। इसका सम्मान करता हूं मैं कि विगत 9 वर्षों में इन्होंने जो 2000 बढ़ाया, लेकिन क्या जो ये महंगाई का दौर चल रहा है, इस 2000 रुपए की अल्प वृद्धि में हमारा अनुदेशक क्या अपना जीवोपार्जन करने में सक्षम है? 100 से 150 किलोमीटर स्कूल जाता है हमारा अनुदेशक, 150 किलोमीटर जाने में आज की डेट में 106 रुपए 107 रुपए पेट्रोल है, वो बंदा कैसे जाएगा डेली स्कूल, कैसे अपना जिम्मेदारी निभाएगा, अपनी पारिवारिक जीवोपार्जन कैसे करेगा? ये मैं राज्य सरकार से मेरा प्रश्न है। अगर 7000 रुपए से 2000 रुपए बढ़ाकर सरकार वाहवाही ले रही है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जा रहा है, अनुदेशक का पद ये भी नहीं है, संवैधानिक पद है, सृजन हुआ है पद, सर्व शिक्षा अभियान में सृजन पद है, राज्य सरकार चाहे तो हमको आज स्थायी कर सकती है। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज जो ये मंच मिला है, इस मंच से नियमितीकरण की मांग हमारी है और यही जारी रहेगा। और अंतोगत्ता सरकार से यही कहेंगे कि 2000 रुपए से हमारा जीवन यापन चलने वाला नहीं है, महंगाई को देखते हुए हमारा नियमितीकरण करने की कृपा करें। ठीक बात है, मैं अनु विष्णुई के पास चलता हूँ। अनु आप भी चर्चा में जुड़ी